यहाँ से पूरा लेक दिख रहा है। हाय माय फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। हम आए थे लेह लद्दाख टूर पे और आज हमारा लेह लद्दाख टूर का आखिरी दिन है। आज हम जा रहे हैं सोमोलिनी। सुबह 6 बजे निकलना था, थोड़ा सा लेट हुए, 6:20 के निकले। अभी देखते हैं सोमोलिनी कितने बजे पहुँचते हैं। ऑन द वे एक हॉट स्प्रिंग भी है, वो भी करना है। बाहर काफ़ी ठंडा है सुबह सुबह थोड़ा, और सभी मिल के जा रहे हैं, ये सभी बैठे हैं पीछे। इधर सूरज काफ़ी जल्दी निकल जाता है और एकदम से आ जाता है। इधर सनराइज जैसा वो जो हम कभी डिफरेंट कलर्स होता है उतना कलर इधर दिखता नहीं है। रास्ता बहुत ही सुंदर है, इधर का हर रास्ता नज़ारा बहुत सुंदर होता है, कहीं से भी आप जाओ। ये एक मॉनेस्ट्री दिख रहा है ऊपर हमें। इस रास्ते में आज कोई पास क्रॉसिंग नहीं है। ये पड़ता है लेह मनाली हाईवे में। मैं लेह मनाली हाईवे से सीधा जाके हम थोड़ा राइट पे अंदर की तरफ जाएंगे, तो वन वे करीब 200 किलोमीटर है। गूगल मैप से ही बता रहे हैं, अभी देखते हैं क्या है। ये पॉपुलर ट्री है जो यहाँ पे होते हैं, और एक्चुअली ये लोग उगाते हैं, इनका जस्ट एक फार्मिंग होता है, क्योंकि इसी से इनका जो घर बनता है ना, ये पॉपुलर ट्रीज इसी लकड़ी से, इनका खिड़की वगैरह जितना भी वुड यूज़ होता है यहाँ पे इसी लकड़ी से यूज होता है, इसी का लकड़ी से। यहाँ से मनाली 425 किलोमीटर, सरचू 202 और लेह 49। हम इस रास्ते से आए, ये इस तरफ है, तो हम जाएंगे इस तरफ टुवर्ड्स सोमोलिनी। ये है उपसी, इस होटल में रुकी। इधर थोड़ा आलू पराठा खाया, आलू पराठा अच्छा मिलता है। इधर रुका था लाडोल रेस्टोरेंट उपसी। अभी यहाँ से हम जाएंगे सोमोलिनी। टाइम लगेगा, रास्ता लंबा है और टाइम लग रहा है जाने में। अभी तक हमने 50 किलोमीटर ही आया 6:30 बजे निकल के। लोग 6:30 बजे निकले थे और अभी 9 बज रहा है। बीच में उपसी में रुके थे हम लोग, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर से चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह निकले थे, सोते हुए जा रहे मिस मत करो ये सब सीनरी, ये लद्दाख छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चल सकता, क्योंकि रास्ता ऐसे ही है, पहाड़ी रास्ता है। जबकि रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है, लेकिन इतना टर्न्स है, ऊपर नीचे है, कि स्पीड ज़्यादा अचीव नहीं कर पाता है। मोटा मोटा ये एक्चुअली 4.5 से 5 घंटे का, अराउंड 5 आवर्स का जर्नी है। देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। तब तक आप ये रास्ता जो है ना, यहाँ का नेचुरल ब्यूटी देखिए। ये देखिए आने वाले दौड़े, ये पूरा जो लद्दाख रीजन है ना, ये आर्मी का कंट्रोल में है, और ये लोग रियली में इतना अच्छी तरह सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रखा है। बीआरओ जो है यहाँ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इतना रोड को इतना अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है सारे कोने कोने में। हम लोगों ने हाइट गेन किया है, अभी अराउंड
1000 फीट फ्रॉम लेक, लेक का जो हाइट है 1000-1500 फीट हाइट की है। ये जो सोमोरी लेक है ये 14,500 फीट का लेवल पे। ये सामने एक लेक दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सी एक लेक है। इसका बाजू पे लग रहा है आइस भी जमा हुआ है, आइस फॉर्मेशन लग रहा है, और दूर पहाड़ी पे स्नोफॉल भी हो रहा है ऐसा लग रहा है। कल हमने जो देखा था गूगल पे, लग रहा है ये काइगर्सो है ऐसा कुछ नाम है इनका, मैं कंफर्म करके लिखता हूँ। जो दूर से आइस लग रहा था वो एक्चुअली सॉल्ट लग रहा है, यहाँ पे वाइट स्नो नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए सोमोरीरी लेक। अभी टाइम हो रहा है 11:40 हो रहा है अभी टाइमिंग। हम पहुंच गए सोमोरीरी लेक, ये लेक का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम इसका साइड से आगे तक जाएंगे जहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे रुकते हैं सारे, और इसका लैंडस्केप चारों तरफ ऐसा पहाड़ी है। आते रास्ते में हम थोड़ा रुके थे, पाँच मिनट का एक ब्रेक लिया था, तो वहाँ पे हमें थोड़ा हल्का सा स्नोफॉल नहीं मिला, लेकिन बहुत ही हल्का था, वो कैमरा में नहीं आता था। ये सोमोरीरी लेक कभी करीब 35 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये पूरा इंडिया में 14,500 फीट का एलिवेशन है इसका। पेंगोंग की कंपैरिजन में ये थोड़ा लेस ट्रेवल्ड एरिया है बाय टूरिस्ट, कम आते हैं। पानी का डिफरेंट कलर दिख रहे हैं हमें, आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिख रहा है, पर पानी का डिफरेंट कलर दिख रहा है। आप अगर इसका कलर देखेंगे, क्या मस्त कलर दिख रहा है लेयर बाय लेयर। यही कलर देखने के लिए और ये जो सीन है लेक का, ये सीन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहीं आप पेंगोंग में जाओ या सोमोरीरी में आओ या कोई और लेक, यहाँ का लेक का ये जो ब्यूटीफुल सीनरी होते हैं यही देखने के लिए लोग आते हैं। ये वाला लेक का जो पोर्शन है, ये लेक का बाजू मंजू में से जो लंबा रास्ता जा रहा है, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कैमरा हटाने को दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से। इतना अच्छा व्यू और कहाँ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारा साथ ये व्यू एंजॉय करें थोड़ी देर के लिए। हम रोज़ रोज़ तो यहाँ पे आ नहीं सकते, यहाँ पे आने के लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये नज़ारा हम कैमरा में बंद नहीं रख के कैसे छोड़ें, सारे तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा।
यह है कुर्जो मोनेस्ट्री जो पेंगोंग लेक का बाजू में ही है। ये भी बहुत पुराना मोनेस्ट्री है, बहुत पुराना लग रहा है। वो जो आगे पहाड़ी दिख रहा है वो वाला लेक के बाजू में, उधर हम जाके फोटो पॉइंट है वहाँ से लेक का फोटो खींचेंगे। यहाँ पे लेक में कोई जाता नहीं है ऐसा लग रहा है। ये जो पत्थर है ना ऐसे सजा के रखते हैं, ये बुद्धिज्म में बहुत अच्छा माना जाता है, इसको पूजा करते हैं। यहाँ से पूरा लेक दिख रहा है, बहुत अच्छा सीनिक व्यू है। पूरा लेक दिख रहा है, रोज जो दूर दिख रहे वहां पे रहने का थोड़ा इंतजाम है और वो मॉनेस्ट्री है। सोमोरीरी लेक और जैकेट नहीं है, जैकेट इधर खाली हम लोग ही है, और कोई नहीं आया और कोई नहीं दिख रहा है। पानी बहुत साफ यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही साफ पानी है और क्या व्यू है सोमोरीरी लेक। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहा है पानी का, पहले ग्रीन, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद लाइट, उसके बाद लाइट ब्लू, उसके बाद डार्क ब्लू, बहुत सारे कलर्स है। ये 35 किलोमीटर लॉन्ग है, बहुत आगे जाता है और इसका पानी एल्कालाइन है, सॉल्ट वाटर है, क्यों कैसे कुछ नहीं पता, ऐसे ही है। ये जो हमने पहाड़ी के ऊपर आया था अभी नीचे उतर रहे हैं। वो नीचे रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ते से जाना है। मैंने सुना था सोमोरीरी का पानी सॉल्टी है, थोड़ा एल्कालाइन है, मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ कैसा है ये। अरे फोम जमा हो रहा है, तुम देखो। नहीं लगता इस सॉल्ट वाटर पर, सॉल्टी होगा क्योंकि ये फोम जमा होकर रखा है। ये फोम सी वाटर में आता है तो थोड़ा सा सॉल्ट होगा, पता नहीं चल रहा है। ये सीनरी है चारों तरफ का, अभी हम निकल जाएंगे यहाँ से। अभी हम वापस जा रहे हैं सोमोरीरी से, बहुत खाली खाली है यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, हमें बेसिकली कोई नहीं मिला, आधा टाइम एक गाड़ी मिला। तुम लोगों को कैसा लगा बताओ थोड़ा। बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा। ये पंखा डालूंगा, देख ले, जरूर आइए, एंजॉय कीजिए। एक्चुअली वो थोड़ा जोक कर रहा है क्योंकि कोई टूरिस्ट इधर मिला नहीं, मेरे को पूरा रास्ता बोलते हुए है। सोमोरीरी में अभी तक टूरिस्ट आना ज़्यादा चालू नहीं हुआ, काफ़ी कैंप वैम्प का काम चल रहा है, इसका मतलब अभी सीजन शुरू हो रहा है और लोग इधर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो कोई दिखा नहीं है, टूरिस्ट कोई नहीं दिखा। तो मैं तो यही बताऊँगा कि नाइट स्टे के लिए, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा कुछ खास जगह लगा नहीं,
यहाँ पे घूम के एक दो घंटा टायर देख के निकल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैंगोंग इज अ गुड प्लेस टू स्टे। बेसिकली व्यू यहाँ का कहीं भी जाओ आप लद्दाख में, कहीं भी जाओ अच्छा ही है। रोड से जाते रहो, कोई भी रोड से, उसका चारों तरफ का सीनरी भी बहुत अच्छा है। इधर का जर्नी ऐसा है ना, बोरिंग जर्नी नहीं है। आप देखते हुए जाओगे, आपको पूरा एंटरटेन हो जाएगा, फ्रेश रहोगे आप। बोरिंग जर्नी कहीं पर भी नहीं है। पैंगोंग लेक से और सोमोरेली लेक का अगर कंपेयर करें तो पैंगोंग बहुत बड़ा लेक है, सोमोरेली उतना बड़ा नहीं है। लेकिन पैंगोंग का ओनली 1/3 हमारा पास है, जो कि बहुत बड़ा है सोमोरेली के कंपेरिजन में। लेकिन सोमोरेली का पूरा हमारा पास है। पैंगोंग का पानी बहुत ज़्यादा साफ है, नॉर्मल नेचुरल वाटर है, और सोमोरेली का पानी एल्कलाइन है और कुछ वेजिटेशन है अंदर, वो हमें दिखा। पर दोनों लेक का व्यूज़ और वो सारे चीज़ अच्छा है। पैंगोंग में रहने का इंतज़ाम और बाकी सारे चीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। हो सकता है सोमोरेली में टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आता है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जो शिपल है ना, वो शिपल है बहुत, इधर शिप के लिए जगह बनाया हुआ है, जो अक्टूबर नवंबर में जिस शिप्स का ऊन से पश्मीना बनते हैं वो सारे शिप्स यहाँ पे पाला जाता है। अभी हम जा रहे हैं वापस, ये रोड है उसी रोड से जिस रोड से आए थे। मतलब अभी थोड़ा ऐसी रास्ता तो ऐसे ही है, पहले पूरा लद्दाख में ऐसे ही रास्ता था, अभी तो काफ़ी सारे अच्छा रोड बने। सोमोरी से निकलने का बाद ऑन द वे हमें आगे वाला पहाड़ी का पीछे घने काले बादल दिखा। हमें लगा कि आइदर हमें स्नोस्टॉर्म या रेन रास्ते में मिल सकते हैं, और हमें ब्लिजर्ड मिला। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करने मत भूलिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि सारे न्यू वीडियोस का अपलोड आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय।